हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वापस हम लोग आ चुके हैं माइनक्राफ्ट हार्डकोर में। आज हम लोग फाइनली माइनक्राफ्ट 1.20 के अपडेट्स को देखने वाले हैं कि वो कैसे लग रहे हैं। और वैसे उसमें जितनी भी चीजें हैं ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें मैंने पहले एक्सप्लोर कर ली हैं जब उनके टेस्टिंग वाले अपडेट्स आए हुए थे, जब प्रॉपर रिलीज नहीं हुआ था, तो मैंने सब कुछ करा हुआ है। बट एक चीज है जो आज हम लोग ढूंढने वाले हैं, उसको ढूंढना कितना मुश्किल होगा वो तो बाद में पता चलने वाला है, बट वो चीज है ट्रेल रियूंस। तो ये एक नई अपडेट के साथ में एक और नई अपडेट आई हुई है जो पहले नहीं थी। तो वहां पर हमको बहुत सारी लूट मिलने वाली है और बहुत सारी और चीजें होने वाली है। बट हाँ, रास्ते में जाते हुए अगर हमको कोई कैमल दिख गया तो हम लोग उसकी सवारी कर लेंगे। उसके अलावा अगर हमको स्नीफर एग कहीं पर मिल गया, स्नीफर का एग हमको मिलेगा ओशन में, तो वहां पे चेस्ट में एग मिलेगा, उसके बाद हम उसको रिवाइव करेंगे तब जाके हमारे वर्ल्ड में वो एंटर करेगा। तो ये थोड़ा सा अजीब बात है कि मतलब वो एक पहला ऐसा मॉब है जो आपको अंडे से बनाना पड़ेगा, वरना सब हमारे पास पहले से होता है ना, हम लोग उसको ब्रीड कराते हैं कहीं से लेके आते हैं, बट ये पहला होने वाला है। और हाँ, मेरे वर्ल्ड में आज कोई शेडर नहीं लगा हुआ, तो बिना शेडर के मैं खेल रहा हूँ, उतना खराब भी नहीं लग रहा। बट हाँ, इसकी जो आंखों में ग्लो आता था ना वो थोड़ा सा कम है। बाकी अगर आप लोग जानना चाह रहे हो कि मैंने इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं डाली थी, मैंने एक स्टोरी भी डाली थी। रितु को हुआ क्या था कि रितु की ना तबीयत थोड़ी सी खराब थी और हम लोगों ने उसको दिखाया था, हमको लग रहा था कि ठीक हो जाएगा, बट बाद में बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई थी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था और टाइफाइड निकला था जो कि सही हो ही नहीं रहा था। पहले पता चल चुका था बट सही हो ही नहीं रहा था। फिलहाल इसको छोड़ते हैं, मैं बस कंफर्म करना चाह रहा था क्योंकि मैंने वहां पर बताया नहीं था कि क्या हुआ है, तो बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे, पूछ रहे थे मुझे मैसेजेस करके कि क्या हुआ है। मेरे पास ना एक यहां पे एक खाली शल्कर भरा हुआ है और मेरे पास थोड़ा सा आयरन वगैरह है, तो यहाँ से कुछ कुछ चीजें मेरे को और देखने। सबसे पहले मुझे कॉपर स्मेल्ट करके एक ब्रश बनाना है ताकि हम लोग आर्कियोलॉजी वाला जो काम है ना वो करना स्टार्ट कर लें। मैं सीख चुका हूँ उसको पहले ही अपडेट्स आने से पहले, अब जाके हमको बस टेस्ट करना है कि हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है और हमको क्या मिलने वाला है। फिलहाल मैं एक ब्रश तो बना ही सकता हूँ ना, एक सेकंड, ब्रश बनाने के लिए मेरे को चाहिए कॉपर, कॉपर है ही कहाँ मेरे पास, कॉपर मेरे को स्मेल्ट करना पड़ेगा ना, बस इसको इतना रहने देते हैं। और रात के टाइम पर हमारा वर्ल्ड ना कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा है, दिन में भले ही शेडर के साथ अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन रात को तो अच्छा लग रहा है और सब लोग बेचारे अपने घर में सोए हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं भी सो जाऊं। तो हम लोग यहाँ पर सोते हैं आज, एकदम सेफ जगह पर, यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता हमको, तो फटाफट से बेड लगाते सो जाते हैं। कल मॉर्निंग में सारी तैयारियों के साथ हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, बहुत दूर हमको जाना पड़ेगा ताकि हम लोग ऐसी जगह पर जा पाए जहां पर हम लोग अभी तक नहीं गए हुए हैं। वैसे इस वर्ल्ड में ना मैं बहुत सारी जगह पर ऑलरेडी जा चुका हूं, तो थोड़ा सा हमको टाइम ज्यादा लगेगा उसको ढूंढने में, वो वाली जगह को ढूंढने में। ठीक है, तो हमारा कॉपर स्मेल्ट हो चुका होगा। ओहो, फेदर चाहिए मुझे, स्ट्रिंग क्यों ढूंढ रहा हूँ फिर मैं, स्ट्रिंग का तो काम है ही नहीं यहाँ पर। और एक और चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक तो बोट रख लेते हैं, ट्रैप डोर भी ऐसे काम आ जाते हैं, ट्रैप डोर तो बना ही लूंगा ना। हाँ, मेरे पास ना कैक्टस था, तो जो कैक्टस है वो काम आ सकता है हमारे, तो उसको कैक्टस को काम ना उसको खिला सकते हैं यार, लामाज नहीं, कैमल्स को, और उनको ब्रीड करा सकते हैं। सोच रहा हूँ कितनी सही चीज है। अब मुझे चाहिए फेदर, मेरे को फेदर चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से लेके जानी है। मेरे आसपास कहीं पर मॉब्स वगैरह कुछ भी नहीं है यार, मेरे वर्ल्ड के आसपास कहाँ चले जाते हैं सारे गाय वाय, वो होते तो बड़ा अच्छा लगता उनको देख के यहाँ पे, बट मैं यहाँ से ना रॉकेट्स हमको थोड़े ज्यादा चाहिए होंगे, आई थिंक इतने काफी रहेंगे। तो लास्ट वाले एपिसोड में ना, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा, मैंने ये बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर अभी काम थोड़ा बहुत बाकी है, मतलब हमको उनसे ट्रेड लेके उनको 1 एमराल्ड पर लेके आना है सबको, और पर्टिकुलर ट्रेड लेनी है जो मेरे को चाहिए, मतलब अभी तो ऐसा हो रहा है कि रैंडम कुछ भी दे दे रहे हैं ये लोग, तो वो नहीं चलेगा काम हमको ना यहाँ से। मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा यानी कि इतने इलाइट्रा लेके जाने होंगे, क्योंकि मेरे पास ना इलाइट्रा इंचेंटेड नहीं है, मेरे पास एक है, एक मेरे इसमें एंडर चेस्ट में है जो कि खराब भी है शायद, तो उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो सारी तैयारियों के साथ अभी हम लोग निकल रहे हैं। एक सेकंड दोबारा देख लो, सब कुछ है मेरे पास। हाँ, अब मैं एक बार ना बना लेता हूँ यहाँ पे, हाँ ब्रश बना लेता हूँ आर्कियोलॉजी वाला, तो एक ही ब्रश है हमारे पास, एक और बना सकते हैं, उसके लिए क्या चाहिए मुझे, एक और बना, दो ब्रश बना रहा हूँ मैं, एक बैकअप के लिए मैं रख रहा हूँ और एक मेरे पास है। अब चल रहे हैं, अब सब कुछ हो चुका है, ऑब्सीडन रख लिया मेरे पास, फ्लिंट एंड स्टील है मेरे पास, बाकी सारे कुछ है, खाली शल्कर बॉक्स से जो भी हमको लूट मिलेगी वो रखने के लिए। और इसको देखो यार, ये यहाँ पे क्या कर रहा है बंदा ये यहाँ पर पता नहीं क्या कर रहा है अकेले, इसने मेरे को बताया भी नहीं कब निकला वहां से यार, उतना अच्छा विलेज छोड़ के, या मुझे लग रहा है कि पुराने वाले विलेज का बंदा था और हमारे वाले विलेज में पहुंचा ही नहीं। इससे बात करें कि क्या क्या हुआ, कुछ बताएगा मेरे को ये? यार बेचारा दुखी लग रहा है मेरे को, मैं इसको लेके, हाँ दुखी तो है यार, इसको तो बाल भी झड़ गए यहाँ पे, ये जो यहाँ पे वो हो रहा है ना प्रदूषण, इसकी वजह से इसके बाल झड़ गए सारे,
बेचारे के, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। एक काम करता हूँ, मेरे पास वो कहाँ पे है, ये सारे रॉकेट्स बना लेता हूँ पहले, ताकि हमारे पास रॉकेट्स की कमी ना रहे बिल्कुल भी। ठीक है, एक ये भी मेरे को निकालना पड़ेगा। अब बनाते हैं फटाफट हम लोग रॉकेट्स। A few moments later. तो एक पूरा शलकर भर के मेरे पास रॉकेट्स हो चुके हैं और एक स्टैक एक्स्ट्रा, मैं एक और स्टैक, एक पूरा भर के नहीं हुआ है, हाँ कम है, थोड़े से कम है, बट कोई बात नहीं, इतना काफी रहेगा। बहुत ज्यादा होते हैं, एक स्टैक भर के ही था, मैं नीचे वाले गिन नहीं रहा था। और ये मैं कचरा क्यों लेके आ रखा हूँ यहाँ पे, पता नहीं क्यों। चिकन रख लेते हैं यहाँ पे, इसका काम नहीं है। फिशिंग रॉड का काम भी नहीं होना चाहिए वैसे। ये देखो इलाइट्रा, ओ इसमें तो मेंडिंग भी नहीं है, मैं इसको रिपेयर भी नहीं कर सकता यार। हम ना एक चक्कर चल रहे हैं हम लोग एंड के अंदर, इलाइट्रा को मैं कुछ इंचेंट करने की कोशिश करता हूँ, अगर कुछ अच्छी इंचेंटमेंट मिल गई, यानी कि अनब्रेकिंग भी मिल गई ना, कुछ नहीं से कुछ तो होगा। और फिलहाल मुझे यहाँ पे इतना गंदा क्यों दिख रहा है यार, बिना शेडर के कुछ दिख ही नहीं रहा, धुंध दिख रही है। मुझे लगता है कि मुझे अभी के लिए एटलीस्ट शेडर ऑन करने पड़ेंगे। मैंने शेडर इसलिए बंद कर रखे थे ताकि 1.20 का जो वाइव है वो हम लोग ले सके, देख सके यार कैसा लग रहा है, कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं क्या। कुछ जो चेंजेस हुए हैं जो आपको इन्वेंट्री वगैरह ओपन करने में पता चल पा रहा है, तो वो सब चीज़ें अब जाके हमको दिखेगा कि एक्चुअल में जाना कहाँ है, वरना मैं तो रास्ता ही भटक जाऊंगा यार। ये है मेरा रास्ता, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं एंड में। मैंने वैसे पोर्क चॉप भी मेरे पास काफ़ी था ना, मेरे को पोर्क चॉप यार खाना कितना चाहिए होता है, इतना नहीं चाहिए होता खाना। तो हम लोग पहले एंड में चल रहे हैं, वापस वहीं पर आऊँगा, ताकि मैं यहीं से हम लोग नैदर के रास्ते जाएंगे, एटलीस्ट 2-3 हज़ार ब्लॉक में दूर जाऊँगा, तब हम लोग बाहर निकलेंगे तो कोई नई जगह पर पहुँचेंगे। चेरी ग्रोव वाला मिल जाएगा ना, वहाँ से वुड वगैरह लेके आना है मुझे, और अगर वार्म ओशन मिल गया कहीं पे तो वहाँ से हम लोग आएंगे स्नीफर का एग वगैरह। इसमें कुछ रखा है मैंने काम का, हड्डी रखी हुई है, 2 हड्डी मैंने। यार मेरे पास मेंडिंग होनी चाहिए, किसी दिन लग के ना अपनी जितनी भी लाइटर है सबको रिपेयर कर दूंगा, क्योंकि सब चाहिए होती यार। और मुझे नहीं लग रहा कि मेरे पास यहाँ पर इलाइट्रा कुछ तो होने वाला है रिपेयर करने का, या फिर कुछ भी नहीं है, रिपेयर भी नहीं कर सकता मैं, इंचेंट कर सकता हूँ, लेकिन बस शिट यार मेरे पास बुक्स नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अबे यार एग्जैक्ट है उतनी ही मेरे पास। अब मैं कुछ वो भी नहीं कर सकता ना, इलाइट्रा में थोड़ा ना वो मिलेगी मेरे को एन्चेंटमेंट। मेरे पास पेपर है, मेरे पास लेदर भी है, मुझे लग रहा है कि हमको ये करना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग वहाँ पर परेशान हो, अभी कर लेते हैं इसको, कोई बात नहीं, मेरे को वापस जाना पड़ रहा है, बट हम लोग चले जाएंगे। एक और मुसीबत होने वाली है अभी। अभी देखो, अभी मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, क्योंकि मैंने अपना बेड तोड़ लिया था, तो शायद मैं कहीं रैंडम जगह पे, हाँ ये देखो आ गया ना रैंडम जगह पे। अब मुझे अपने कोऑर्डिनेट तो पता है, तो मुझे जाना है नेगेटिव्स, ओके इस साइड को हमको जाना है, हम लोग पहुँच ही जाएंगे अपने घर में। ये हमारा पुराना वाला विलेज का कहीं आसपास का एरिया है, जहाँ पर मैं बार बार आ जाता हूँ बहुत बार, क्योंकि मैं बेड नहीं लगाता अपना, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ पहुँच। Okay, तो थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन वापस मैं आ चुका हूँ सब कुछ लेके, यानी कि बुक्स बना के और थोड़े एक्स्ट्रा पेपर्स लेके मैं आ चुका हूँ। लेदर तो नहीं था, बट हाँ इतने पेपर इतने बुक्स काफ़ी हैं। अब जाके मैं मेरी इलाइट्रा किसमें, इलाइट्रा इसमें, तो इनको ट्राई करता हूँ मैं, इनको तो नहीं कर सकता, बट मैं पहले ट्राई करता हूँ बुक्स में कोई इन्फिनिटी है क्या, इन्फिनिटी भी काम आएगी वैसे, ले लो अभी, कौन सा मुझे एक्सपी की टेंशन है, यहीं पर दोबारा कर लूँगा एक्सपी। शार्पनेस 3 मिल रही है, ले लो कोई बात नहीं, इनको बाद में मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, शार्पनेस 3, फेदर फॉलिंग 2। 1 hour later फाइनली मेरे को अनब्रेकिंग 3 मिल चुकी है, एक अब नहीं भी मिले चल जाएगी, बट एक और ट्राई कर रहा हूँ, इनकेस अगर मेरे को मिल जाती है तो हमारा काम हो जाएगा। ओह एक और मिल रही है। एक और मिल रही है मेरे को, 2 एक साथ अनब्रेकिंग मिल गई है, तो अपना काम हो जाएगा। 3 इलाइट्रा बहुत होती है, इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना, थोड़ा सा हम लोग स्मार्टली करेंगे ध्यान से देख के। ओके, तो मेरे पास हो चुके हैं 2 अनब्रेकिंग 3। अब मैं रख देता हूँ काम की कुछ चीज़ों को यहाँ, इसको यहाँ रख देता हूँ, एक अनब्रेकिंग इसको रख दो और इसको रख दो और ये रख दो। चलो अभी मेरे को 2 इलाइट्रा में लगानी है अनब्रेकिंग, तो पहले तो हम लोग इसमें लगा लेते हैं अनब्रेकिंग। और मेंडिंग तो नहीं है हमारे पास, कोई विलेजर भी नहीं है अभी, अता पता नहीं है विलेजर है कहाँ पे। एक और इलाइट्रा में लगा ले रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा इलाइट्रा होंगे भी ना अगर यूज़ होंगे तो, मेरे पास बहुत हैं, घर पर भी रखे पड़े हैं पूरे, एक और चलकर भर के। तो 3 इलाइट्रा हो चुके हैं अपने पास, और इसको रिपेयर करने का तो कोई मतलब बनता नहीं जो मैंने यहाँ पर रखी हुई है, बट ठीक है यहाँ पर मैं इनको रख रहा हूँ वापस से। अब हम यहाँ से निकल जाते हैं, सारा काम हो चुका है, अब बस निकलना है यहाँ से। चलिए अभी मैं वापस, हाँ एक सेकेंड, अभी तो मैं बेड में स्पॉन करके अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट करके आया हुआ था,
तो अभी मैं कहीं रैंडम जगह नहीं पहुंचने वाला, वरना बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। चलो भाई अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, मैं जा रहा हूँ नेगेटिव में, दोनों साइड में देखता हूँ। वैसे मैं नेगेटिव जी की डायरेक्शन में ज़्यादा जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं शायद बहुत सारी जगह ना ऑलरेडी गया हूँ। एक ही डायरेक्शन में बढ़ता हूँ सही रहेगा, पता चलेगा कि हाँ इस डायरेक्शन में कुछ नहीं मिल रहा, अब दूसरे डायरेक्शन में चले जाओ। वैसे ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नहीं मिल रहा है, थोड़ा मेरे को ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा। मैं कम से कम 2,500 या 4,000 ब्लॉक दूर जा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग पोर्टल बनाएंगे और बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि मैं गया हूँ दूर। ज़्यादा घूमने के ना फायदे के साथ साथ नुकसान भी पता चलते हैं, तब जब कोई अपडेट आया होता है तब फिर हमको बहुत ही दूर निकल जाना पड़ता है। एक बार मुझे याद है कि मैं इतना दूर इतना एक्सप्लोर कर लिया था मैंने अपने पुराने वाले वर्ल्ड में, तो जब एक नया अपडेट आया था तो मुझे ना वर्ल्ड छोड़ के जाना पड़ा था, तब जाके मुझे वो नई चीज़ दिखी थी जो मैं ढूंढना चाह रहा था अपडेट में। अभी हम लोग 2,000 ब्लॉक दूर आ चुके हैं माइनस में, और नेगेटिव जी के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और एक्स में तो बड़ी ले रहा हूँ थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, एकदम स्ट्रेट नहीं जाना हमको। अभी हम एकदम स्ट्रेट जा रहे हैं, अब ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। तो 2,000-2,500 ब्लॉक दूर आ चुके हैं, अब बस थोड़ा सा और उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे 3,000 ब्लॉक। मैंने वैसे 4,000 सोचा था ना, ठीक है 4,000 ब्लॉक दूर जाते हैं। मोंटाज ओके, तो यहाँ पे मैंने एक साइन बोर्ड लगा दिया, कभी फ्यूचर में मैं वापस यहाँ पे आऊंगा ना तो मुझे पता चलेगा कि मैंने ये वाला पोर्टल क्यों बनाया था। कंफ्यूजन नहीं होगी, एक थोड़ा एक याद सी रह जाएगी कि हाँ मैं 1.20.1 के अपडेट्स को एक्सप्लोर कर रहा था। वैसे अभी मैं ना 3,3241 ब्लॉक दूर हूँ, बहुत ज्यादा दूर आगे चले गया था मैं, थोड़ा सा पीछे आया कि नहीं नहीं थोड़े से अपने कदम पीछे करो। तो ये एडवांसमेंट मिली नहीं थी इसलिए, ताकि हम लोग ना इतना दूर भी ना चले जाएं कि फिर पता ही नहीं चले कि यार अब जाना कहाँ है, मतलब बहुत दूर भी ना निकल जाओ, क्योंकि एक्सप्लोर करते हुए हम लोग ओवरवर्ल्ड में जाएंगे ना तभी पता चलेगा। फिलहाल हम लोग एक सेकंड, मुझे देखनी है 2-3 चीज़ें, तो हम लोग अभी हैं एक सेकंड, वो कहाँ पर आता है, टियागा। टियागा है यार ये, यहाँ पर ना हमको वो मिलने के चांस हैं जो ट्रेल्स हम लोग ढूंढने आए हैं, यहीं पर चांस हैं उसके, और भी वो अलग अलग जगह हैं बट यहाँ पर बहुत चांस हैं। अब मुझे ना थोड़ा सा सोच समझ के आसपास ढूंढना होगा, नदी के किनारे, बीच में भी मिल सकता है वैसे बट नदी के किनारे, और सैंड या मेरे को वो मिलेगा टेराकोटा वगैरह मिलेगा, उसको मेरे को नज़र रखनी है उस पर। लेकिन यार इतने घने पेड़ों के बीच में कैसे रख पाऊंगा यार मैं, इतना बड़ा टियागा है यार, यहाँ पर कैसे पता चल पाएगा कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। टेराकोटा अगर मेरे को प्लेन्स बायोम में दिखता तो मेरे को पता चल जाता कि हाँ दूर से देख के, लेकिन ठीक है उतना मुश्किल भी नहीं है। जैसे पेड़ वेड़ तो पता चल जाते थे ना अगर हम लोग लश केव ढूंढते थे, और उनका भी एक आइडिया लग जाता था एंशियंट सिटीज़ का, क्योंकि वहाँ पे वो माउंटेन के अंदर केव के अंदर चांस रहते थे। हम लोग मशरूम बायोम, यार मेरे वर्ल्ड में सारे ऐसे कंजूस बायोम क्यों है मशरूम के, एक नहीं ये नहीं था वो, हाँ एक बार पहले भी मुझे मिला था, बहुत छोटा सा था जब मैंने 100 डे वाली एक वीडियो बनाई थी, आई थिंक कौन सी बनाई थी, वो सर्वाइवल आइलैंड वाली बनाई थी शायद, मुझे याद नहीं आ रहा भाई। अभी है देखो, अब मेरे को थोड़ा बड़ा वाला आइलैंड दिखाई दे रहा है मेरे को, यहाँ पे एक मशरूम आइलैंड के बीच में एक रूइंड पोर्टल दिखाई दे रहा है, तो जाना तो बनता है, इसमें कुछ ना कुछ तो हो सकता है। ऑब्सीडियन मिला मेरे को, चलो काम आएगा। गोल्ड ब्लॉक्स दिख रहे हैं यार, गोल्ड का ना अभी मेरे पास फार्म नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार मैं पानी भर के नहीं लाया इसमें पानी भर के लाया नहीं मैं, फिर कोई नहीं पानी तो कहीं से भी भर सकता हूँ। फिलहाल मैं ये गोल्ड निकालता हूँ यहाँ से, 2 ब्लॉक काम आएंगे। अब हम लोग चल रहे हैं वापस आगे कोई, हाँ वार्म ओशन यहाँ पर भी तो मुझे कुछ चीज़ें मिल सकती है, ये लेकिन कोल्ड ओशन है, वार्म ओशन थोड़ा अलग कलर का होता है ना। ढूंढते रहते हैं, थोड़ी देर में शायद कोई अच्छी खबर मिले, कुछ चीज़ मिल जाए। ये कुछ नहीं है, ओल्ड ग्रोथ बर्ज फॉरेस्ट, देखो यहाँ पर भी चांस है मिलने के, ठीक है, लेकिन हमको थोड़ा ना ध्यान से मुझे ऐसे करके ढूंढना पड़ेगा, और इलाइट्रा तो ख़त्म होगी अपनी, रॉकेट्स भी बहुत ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि ऐसा अगर हम लोग नीचे पैदल चल के ढूंढने लगे ना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर कुछ भी चीज़ ऐसे दिखती है मेरे को तो मैं नीचे उतरूंगा तभी, वैसे रात हो रही है यार, अभी ना सो जाते हैं, रात के टाइम पर सो जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोऊंगा नहीं तो अंधेरे में तो कुछ भी नहीं दिखने वाला, अभी टाइम हुआ नहीं है वैसे सोने का। यार कहीं दिख जाता ना मेरे को वो, मेरे को ढूंढना है वो रुइंस को। Moments later. वो नहीं मिला, लेकिन हमको एक नई चीज़ दिख चुकी है जो कि बहुत ही प्यारी लगती है यार, ये ट्रीज के सैपलिंग्स को मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से, इनको हम लोग उगाएंगे अपने वाले वर्ल्ड में, और वहाँ पर ये जो दिखेंगे ना मतलब कलर साइड हो जाएंगे यार, पूरा ग्रीन ग्रीन हो रहा है मेरे वर्ल्ड में। तो अब इनको इकट्ठा करने के लिए देखो कितना सही लग रहा है यार, ये मेरे को बहुत पसंद है, मैंने पहले देख चुका हूँ इनको जब अपडेट आया था, लेकिन आज हम लोग इनको फाइनली अपने वर्ल्ड में तोड़ने वाले हैं और लेके जाने वाले हैं।
सारे लेके जा रहा हूँ, उगेंगे ना वहाँ पे, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सीजन नहीं अभी ऐसा भी हो सकता है, इतनी दूर से लेके जा रहा हूँ ये। अभी तक देखो मड मेरे पास नहीं है अभी तक, क्योंकि मेरे को मिला ही नहीं आज तक वो एरिया, ठीक है। मेरे पास मड नहीं है और मेरे पास क्या नहीं है उसके अलावा कि हम कैसे तोड़ सकते हैं। ओके, इनको भी लेके जा रहा हूँ मैं। मैनग्रूव वाला मेरे को स्वयं बायोम आज तक मिला नहीं, मतलब मैंने जितना भी आसपास एक्सप्लोर किया तो ऐसा भी होता है कई बार, इसलिए इसको लेके चले जाता हूँ, कभी भी काम आएगा, है ना। ये बिल्ड में भी जबरदस्त लगने वाला है इनको किसी और के साथ यूज करके। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा यहाँ से लकड़ी काटते, सैपलिंग से इकट्ठा करते हैं, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे अपनी खोज में, कंटिन्यू करेंगे उसको। कितना टाइम लगेगा पता नहीं, बट हाँ शायद मिल ही जाएगा यार, ये मिल गया तो वो भी मिल ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास अपडेट नहीं आया, अपडेट आ चुका है। तो बहुत सारी सैपलिंग से मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, वुड इकट्ठा कर लिया और अब हम यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है। सैपलिंग इकट्ठी कर ली, इसका मतलब हम लोग इसको दोबारा से उगा सकते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। फिलहाल हम लोग कुछ थोड़े रॉकेट्स निकालते हैं, गोल्ड रख लेते हैं यहाँ पे, बाकी सब कुछ सही है, एकदम सेट है। चलिए कुछ चीज़ रहना जाए, मेरे पास कितना चलकर बॉक्स है, मेरे पास 3, तो ध्यान रखना है मेरे को सारी चीज़ों का, कुछ भी मिस ना हो। और एक बार थोड़ा दूर से हम लोग देखते हैं कि कितना बड़ा ये बायोम है। वैसे मैंने अपने शेडर ऑन करे हुए, मैं ना अभी बंद कर ले रहा हूँ, हम लोग बिना शेडर्स के इनको देखने वाले हैं कि कैसे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे लगेंगे बिना शेडर के भी, देखो कितना सही लग रहा है यार, ये अलग ही कलर ऐड हो गया, वरना सब कुछ तो ग्रीन, सारे पेड़ ग्रीन ग्रीन दिख रहे थे, लेकिन अब कुछ अलग मिल रहा है तो देखने में अच्छा लग रहा है। हाँ यहाँ पर भी है, इधर साइड को बहुत बड़ा है, जब मैंने अपडेट में देखा था ना तो उस टाइम पे उतना बड़ा नहीं दिखा था मुझे, बहुत छोटा सा था, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा है यार, कितना सही लग रहा है ना, बिल्कुल अलग बायोम लग रहा। सोचो इसके बीच में अपना घर होगा, कितना मस्त लगेगा यार ये। लेकिन मैं पेड़ लगाऊंगा अपने अपने पूरे विलेज में लगाऊंगा आसपास, ताकि दिखने में एक अलग ही रौनक आए, वहाँ के लोग भी खुश हो जाएंगे थोड़े से। और ये एक ना कोल्ड ओशन है, मुझे पता है कोल्ड ओशन है, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला मेरे को। मैं कहाँ को जा रहा था, मैं जा रहा था इसी डायरेक्शन में, बढ़ रहा था आगे, पॉजिटिव को जा रहा था क्या मैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत दूर आ गया हूँ, 25,000 ब्लॉक्स में दूर आ चुका हूँ, तो मैं थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर भी वही है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने के साथ ही हमको ये चीज़ तो मिल चुकी है, मेरे को और भी चीज़ें देखने की, और हमको क्या मिलता है, डेजर्ट बायोम कहीं पर भी नहीं मिला। देखो ये, देखो ये विलेज कितना सही लग रहा है इसके बीच में, ये देखो इनके मजे आ रखे हैं इन लोगों के, फूल गिर रहे हैं इन पे सर पे सुबह शाम। 6 months later. तो बहुत देर हो चुकी है, फाइनली बारी है यहाँ पर अपनी सीट डालने की, और हम लोग चलते हैं सीधे यहाँ पे। तो मेरे को सारे हटाने हैं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे ढूंढना है वो ब्रश वाला जो नया बायोम है, नई ट्रेल्स रूइंस हैं उनको देखना है, और इसमें हम जाएंगे सीधे यहाँ पे। यार एक सेकंड, हम लोग आसपास हैं लेकिन मैं हूँ कहाँ पे, मैं मेरे को अपने कोऑर्डिनेट देखने पड़ेंगे जल्दी से। ओके, अभी जाके फाइनली मुझे पता चला कि लोकेशन ये है, इसकी लोकेशन है -2616-23848। ओके, मैं ऑलमोस्ट करीब हूँ यार, लेकिन मैं मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ ढूंढते हुए नहीं आता, तो थोड़ी देर में मिलते हैं सीधे इस लोकेशन पे। ओ मिल गया मेरे को यार, इस जगह पर सोचो आप ये चीज कैसे ढूंढ लोगे, ये देखो आपको दिख रहा है ना ग्रेवल, ग्रेवल कोई यूनिक चीज तो है नहीं, और टेराकोटा अलग अलग कलर का हो सकता है, बट ये वाला टेराकोटा देखो यार आप, मतलब अभी मैं फॉर्चुनेटली इसी डायरेक्शन में आ रहा था, मैं लोकेशन पर आने वाला था, और हमको ये मिला कहाँ पे, -23,000 और -1478 पे। तो मैं लोकेशन पे पहुंच भी जाता ना तब भी बहुत दिक्कत होती, लेकिन ठीक है अभी हम लोग फाइनली आ चुके हैं। अब मेरे को ब्रश निकालना है, अब बहुत ध्यान से पहले एक काम करता हूँ अपना ना, कचरा निकालता हूँ सारा मैं। चलिए अब जाके मेरे को बहुत धीरे धीरे, ये देखो सस्पिशियस सैंड, सैंड तो नहीं है ये, है हमारा ग्रेवल। तो इसमें क्या मिलेगा हमको, झाड़ू लगाते हैं और देखते हैं। ये मूड खराब करने के लिए मेरे को टिंटेड ग्लास दे रहे हैं मेरे को, मूड खराब करने के लिए मेरा, इतनी दूर से मैं ये काम करने के लिए आया हूँ। अब इसमें देखो कितना कन्फ्यूजन हो रहा है यार, कौन है, देखो ये भी था यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि कुछ हमको नया आइटम मिलने वाला है। अबे दिमाग खराब, क्या मिल रहा है कचरा, तो मेरे को ना थोड़ा ध्यान से हटाना पड़ेगा यहाँ पर, इसके अंदर क्या होगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, हम लोग साथ में देखने वाले कि क्या मिलने वाला है। मतलब मुझे इतना पता है कि ये ऐसा कुछ है और यहाँ पर मिलेगा, अंदर क्या होगा वो तो बिल्कुल सरप्राइजिंग होने वाला है। अब अगर कुछ नहीं मिला, क्योंकि इसके अलावा सारी चीज़ें ना मैंने देख ली है पहले अपडेट से पहले, मतलब इतना ज़्यादा वो ग्रेवल और वो कन्फ्यूजिंग हो रहा है ना, पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा ग्रेवल सस्पिशियस है और कौन सा नॉर्मल ग्रेवल है। अब देखो ये मेरे को ग्लेज्ड वाला टेराकोटा मिलने को देखने को मिल रहा है यहाँ पे, पहले सारा ही हटाता हूँ यहाँ से मैं। ये है कैसा पैटर्न है यार, कुछ आइडिया नहीं है मुझे, कहाँ खोदूँ मैं, ये देखो आगे को भी है क्या,
नहीं इतना कुछ ऐसा है। ओके तो ये टावर टाइप का है कोई। ओके मुझे यहाँ पता चल गया कौन सा है, ये देखो। अरे नहीं, हाँ कुछ नया है लेकिन ये मैं क्राफ्ट कर लेता यार, इतनी तकलीफ क्यों कर दी, ये तो मैं क्राफ्ट कर ही लेता। सब मैं एक बार ना झाड़ू लगा लेता हूँ। वैसे इसमें कोई भी नहीं है सैंड ग्रेवल। मैं ये एक सेकंड में यहाँ पे सिर्फ झाड़ू लगाऊंगा या कुछ और भी मिलेगा मुझे यार? मुझे लगा कि यहाँ पर लूट टेबल वगैरह मिलेगी। मुझे लग रहा कि मैं बन गया हूँ बेवकूफ। यहाँ पर लूट टेबल वगैरह कुछ नहीं, मुझे ऐसे ही करके ढूंढना होगा। चलो एटलीस्ट अगर अच्छा स्ट्रक्चर देखने को मिल गया तो यार तब भी हमारा दिन बन जाएगा। यहाँ आने की जो मेहनत है ना वो मतलब वर्थ इट होगी अगर कुछ काम का मिल गया। यहाँ देखने को सिर्फ लूट नहीं चाहिए हम लोग। ओ यहाँ पर मड भी है मेरे पास। मैं एक काम करता हूँ, टॉर्च हाथ में पकड़ता हूँ। अब हम लोग इधर से अंदर से देखते हैं। ओह ये वाला सैंड है, ये डर्ट, ये इसमें कुछ होने वाला है यार। मेरे को लग रहा है इसमें कुछ कचरा मिलने वाला है, मेरे को स्ट्रिंग मिलने वाला है। अबे यार तुम क्या दे, ये लो नुकसान करा दिया ना करोड़ों का। अबे लो फिर से कुछ और टेक्निक होगी, हमको इसको ध्यान से तोड़ना पड़ेगा कहीं से कोई रास्ता वगैरह। ओ ये देखो ये है, इसमें क्या मिलेगा मुझे यार कुछ। ओ ये नई चीज़ है, ये नई चीज़ है, ये वो है पॉट बनाने वाला। हाँ ये देखो कुछ तो नया मिला कम से कम। मड भी मेरे लिए वैसे नया ही है तो ये हमको मिला। और इसी के साथ गाइज हमको एक एडवांसमेंट भी आ चुकी है। अब मुझे आसपास और देखने के और क्या मिलता है, थोड़ा नीचे जाते हैं उसके बाद बताता हूँ कि मेरे को क्या क्या मिला है, वरना मैं यही करते रह जाऊँगा यहाँ पे। डाई मिल रही है मेरे को यार, डाई जैसी चीज़ें मैं यहाँ से कलेक्ट कर रहा हूँ। सोचो कैसे दिन आ गए मेरे। ये कुछ काम की चीज़ है, ये कुछ काम की चीज़ है पक्का। हाँ तो ये तो मेरे को कलेक्ट करना ही है, इससे हम लोग डेकोरेशन के लिए बना सकते हैं चीज़ें। दो मेरे पास अलग अलग हो चुके हैं। एक कौन सा है, यहाँ पर दो है देखो, दो जगह पर मेरे को कुछ ना कुछ मिलने वाला है। नहीं ये है सिर्फ एक है। ओह एक म्यूजिक डिस्क मेरे को मिली हुई है, ये मुझे लग रहा है नहीं है कोई। एरोन शेरोफ, ये कौन सी है यार, ये पहली बार मैं नाम सुन रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि कोई नहीं है। हम लोग ना किसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं अभी, तो मुझे लग रहा है हम लोग कहीं तो जा रहे हैं। मैं थोड़ा यहाँ पर माइन कर लेता हूँ बस। मेरे को इतना प्यार से इतना आराम से मैंने कभी भी ना, ये जो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे ग्रेवल, इसको इतना प्यार से मैंने कभी माइन नहीं किया, लेकिन आज करना पड़ रहा है क्योंकि यही हमको अमीर बनाएगा ना। रास्ता दिख रहा है मुझे, ग्रेवल ही ग्रेवल दिख रहा सारा यार। जो चीज़ मेरे को इरिटेट करती मुझे वही क्यों दिख रही सिर्फ और सिर्फ। एक कैंडल मिली है मेरे को जो ज़िंदगी में पहली बार मैं देख रहा हूँ, ये देखो। मतलब इससे बकवास चीज़ यार। अभी मुझे लग रहा है टाइम है यहाँ से निकल लूँ मैं। एक और मेरे को मिल रहा है, इसमें देखते हैं कि क्या मिलता है। इसमें भी मुझे टिंटेड ग्लास, अबे हटाओ इसको, दिमाग खराब, टिंटेड ग्लास मिल रहा है। 3 weeks later तो बहुत देर बाद अब जाके मुझे एक बहुत काम की चीज़ मिल रही है जो कि एक्चुअल में रेयर भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। और ये है एक आर्मर ड्रीम, इसका नाम क्या है देखता हूँ, मैं भूल गया हूँ बहुत बाद टाइम के बाद देख रहा हूँ। तो ये हमारा स्पिदिंग टेम्पलेट है, शेपर आर्मर ड्रीम है। ओके 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 ठीक है ठीक है। चलो कुछ तो काम का मिला यार, ये ही है जो बहुत काम की चीज़ है यहाँ पे, बाकी तो सब बकवास चीज़ें मिल रही है। मतलब जो नई चीज़ें हो ना वो उनमें मेरे को इंटरेस्ट है, लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है जो मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ वो यहाँ पे मिल रही है। वैसे ज़्यादा वही मिल रही है कॉमन चीज़ें, और बहुत सारे तो मेरे वेस्ट भी चले गए क्योंकि कितना ध्यान रखोगे आप इतने नाजुक तरीके से। तो मैं आज ये माइन कर रहा हूँ ग्रेवल को, उसमें भी बहुत बार, और स्ट्रक्चर पूरा ये देखो अभी फिर गया। इसमें भी कुछ है, ये भी बच गया। बहुत ध्यान से कर रहा हूँ यार फिर भी, लेकिन चीज़ें ऐसी हो जा रही है। ये क्या है, अबे वीट दे रहे हो मेरे को। ये क्या दे रहे हैं मेरे को यार, वीट निकल रहा है यहाँ से, ये कुछ काम का है। हाँ ये सब चीज़ें तो मैं रख ही रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई सीट सी बनी हुई है, मैं एक बार देख रहा हूँ माइन करके। वैसे मुझे लगता नहीं यहाँ पर कुछ भी होने वाला है, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं ना वो हमको वैसे ही मिल रही है। एक सेकंड, ये टावर इतना गहरा कैसे है, कुछ है क्या यहाँ पर काम का, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हाँ ब्रिक्स बहुत सारी हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत सारे हैं। उसके अलावा यहाँ पर वैसा कुछ चेस्ट वेस्ट नहीं है, आपको बस जो भी लूट मिलेगी वो ऐसे ही करके मिल सकती है, और कोई तरीका नहीं है। तो मेरे को ना कहीं पर ऐसे सैंड वैंड वाला तो नहीं मिला, बट अगर आप लोग देखो तो मैंने ना ऑलमोस्ट सब जगह पर जहाँ पर भी मुझे लग रहा था कि चीज़ें हो सकती है मैंने माइन कर लिया है। तो अब मुझे ना कोई ऐसी जगह दिख नहीं रही जहाँ पर मुझे ग्रेवल दिखे और मैं उसको माइन करूँ। यहाँ पर थोड़ी बहुत दिख रही है, बट ओ ओ ओ एक और गया काम से। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, नीचे तो कोई फायदा है नहीं माइन करके, मुझे नहीं लगता कि नीचे कुछ होने वाला है। और जितनी भी बाकी जगह है सब जगह मैंने माइन कर लिया। तो यार जितना मुझे पता है ना, मुझे लगता है कि यही स्ट्रक्चर है, यहीं पर हमको जो मिलना था मिल चुका है। अबे हट जा, काम कर रहा हूँ यहाँ पर, बीच में आ रहा है। और
और कोई भी ऐसी जगह मेरे को दिख नहीं रही इसके अलावा। ये हम बाहर आ चुके हैं और यहाँ से भी बाहर आ चुके हैं। तो देखो स्ट्रक्चर तो है, काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, यूनिक सा लग रहा है कुछ, बट ज्यादा कुछ है नहीं। मतलब चीजें मेरे को मिली है यहाँ से कुछ कुछ, मैं आपको दिखाता हूँ अभी सारी रख के, बट एक बार मैं देख रहा हूँ कि कहीं कोई जगह मैंने मिस ना कर दी हो। मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा कि मैंने कोई जगह मिस करी हो। मैंने बहुत ही ध्यान से यहाँ पर लग रहा है, एक सेकंड, मैंने ना बहुत ध्यान से ग्रेवल माइन किया, इतना ध्यान से कभी भी नहीं करता मैं। देखो ये देखो कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, और ये भी एक टावर आई थिंक लग रहा है मुझे। जो भी पॉटरी वाली चीजें हैं वो मिल रखी है, और ये स्मिथिंग टेम्पलेट्स है हमारे पास, आर्मर ट्रिम से एक ये हो गया। ये भी कुछ वे फाइंडर आर्मर ट्रिम, यार ये कुछ अलग है आर्मर ट्रिम ये वाला। ये शेपर आर्मर ट्रिम, मेरे को नाम कुछ अलग क्यों लग रहे हैं। रेजर आर्मर ट्रिम कुछ अलग आए होंगे तो आप लोग बताना, क्योंकि मुझे नाम इनके अलग लग रहे हैं। और दो हमको म्यूजिक, हाँ ये एक ही है, ओके दो म्यूजिक डिस्क मिले मेरे को, और बाकी कैंडल वेंडल पता नहीं क्या बकवास चीज़ें मिल रही है। तो इतना कुछ तो यहाँ से चीज़ें ले ली है। और देखो हाँ ये भी एक सेकेंड, वैसी तगड़ी वाली लूट तो नहीं है, बट हाँ मुझे लगता है कि जितना मैंने मिस किए ना चीज़ें जो ग्रेवल मेरे से टूट जा रहे थे, अगर मैं उतना माइन करता तो हमको कुछ और चीज़ें भी मिलती। जो हमको डेजर्ट टेम्पल में मिलता है ना डायमंड वगैरह, वो तो यहाँ पर नहीं मिला मुझे। यहाँ पर कोई भी मतलब ऐसा वो नहीं मिला कि सैंड वैंड हो, सिर्फ मेरे को ग्रेवल मिला था। अलग अलग स्ट्रक्चर, एक सेकंड ये रास्ता कौन सा है, नहीं ये सेम ही रास्ता है अलग अलग डायरेक्शन में जाने का। तो सब जगह हम लोगों ने माइन कर लिया, अब मुझे लगता है कि हमको यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि जितना भी था सब कवर कर लिया है। इसके आसपास ना और भी ये सब बहुत है, एक पूरा ब्रश मेरा ख़त्म हो चुका है, और भी ऐसे इसके आसपास बहुत हैं, बट काफ़ी था इसमें, काफ़ी कुछ चीज़ें ले ली है। अब हम थोड़ा ना आगे जाते हैं, मैं थोड़ा वार्म ओशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अगर वार्म ओशन में हमको कुछ काम की चीज़ मिल जाए तो हम लोग पॉजिटिव जेड के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि अगर कुछ मिल जाता है काम का, क्योंकि वहाँ से हमको ना स्नीफर एग मिलेगा, तो वो भी बहुत कमाल की चीज़ होगी, हमारे वर्ल्ड में स्नीफर भी आ जाएगा। उसको मेरे को रिवाइव करना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले मैं ऐसे ही ढूंढता, वरना फिर चंक लोडर तो है ही अपना। वार्म ओशन देखना है, मुझे अभी तक वार्म ओशन मिला ही नहीं। मुझे लग रहा है कि मैं जहाँ से आया हूँ जहाँ जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कोल्ड बायोम है, कोल्ड ओशन है, पता नहीं क्यों। हम ऐसे जंगल में आ चुके हैं तो यहाँ पर भी हमको मिल सकता है, अब अगर मिलेगा अब तो मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमको मिल चुकी कुछ कुछ चीज़ें वहाँ से। यहाँ पे ये ओशन कौन सा वाला है, ये वार्म ओशन है, ओके ल्यूक वार्म या वार्म ओशन है। तो यहाँ पर भी ना वो होता है जो ट्रेल रुइंस है, बट यहाँ पर भी देखो कितनी कैसी जगह पर है यार वो, तुमको ढूंढने में दिमाग खराब हो जाएगा। जंगल के बीच में, पेड़ों के बीच में एक छोटा सा टेराकोटा, वो भी लाइट कलर का, कई बार अलग अलग कलर के मिलते हैं, बट ये वार्म ओशन है आई थिंक। हाँ ये वही तो नहीं है रून स्ट्रक्चर में, ये मेरे उसके पास में ही था जहाँ पर मैं पहले था, मुझे लग रहा है ये वही चीज़ है जो हमको चाहिए, और यहाँ पर स्नीफर एग हमको मिल सकता है। नहीं, ओह शिट, कोई मार रहा मेरे को, मेरी शील्ड, अबे मैं शील्ड तो कभी लाता ही नहीं हूँ यार। इस वाली में तो कोई स्नीफर एग वगैरह नहीं था, मुझे लगता है कि मेरे को ना थोड़ा सा दूर जाना है। अब मैं यहाँ से हट क्यों नहीं पा रहा हूँ, चलो ऊपर चलो, ऊपर चलते हैं। ओ ओ ओ अबे नहीं, मेरे को भागना पड़ेगा, भागना। उसने मेरे को बहुत मार दिया था, लेकिन यहाँ पे चांस अगर नहीं है तो फिर मेरे को थोड़ा और ढूंढने पड़ेंगे। वैसे यहाँ पे चांस है पूरे पूरे, मेरे को सीधे जाके ना मेरे को दे दे, ये दे दे यार, मेरे पास है नहीं शायद, ये मेरे को दे दे जल्दी से। अबे नहीं दिया क्या, मुझे नहीं लगता किसने दिया मुझे। जा रहा हूँ यहाँ से निकल ही रहा हूँ मैं, मुझे लगता नहीं कि उसने कोई छोड़ा है यहाँ पे ट्राइडेंट। नहीं, कोई ट्राइडेंट नहीं मिलने वाला हमको अभी। खैर कोई बात नहीं, मैंने वहाँ ढूंढ लिया था ना, अब मुझे यहाँ पर ढूंढना है, यहाँ पर भी कुछ मिल सकता है हमको। यहाँ पर चेस्ट है भी, मुझे लग रहा है इन लोगों ने ना छिपा रखी इसके अंदर को, ये देखो यहाँ पर छिपा रखी इन लोगों ने चेस्ट। तो हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं और आराम से, यहाँ यार स्नीफर एग दे दो कहीं से, इनको ना लोकेशन पता होगी, ये मेरे को बताएंगे नहीं जानबूझ के। मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक डोर बनाता हूँ ताकि हम लोग आराम से नीचे होके, कुछ कुछ मेरे को ऐसी लोकेशन से लग रही है जहाँ पर होने के बहुत चांस है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं कि कहाँ पर मिलेगा, बट हम ढूंढ लेंगे अगर होगा तो, नहीं होगा तो फिर कहाँ से ढूंढेंगे। ओके तो मुझे ना ऐसा लग रहा था कि स्नीफर एग हमको मिलेगा चेस्ट के अंदर, बट वो चेस्ट के अंदर नहीं बल्कि हमको मिलेगा ऐसी जगह पे। देखो सस्पिशियस वो है ना सैंड, यहाँ पे मिलने के चांस है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे वीट मिल रहा है। अब ये और मुश्किल टास्क होने वाला है, क्योंकि बहुत ही कम चांस है उसके स्पॉन होने के,
कुछ फिक्स नहीं है कि स्पॉन होगा या नहीं होगा, कहाँ पर भी हो सकता है। तो देखते हैं कि क्या हमारी किस्मत रहती है। थोड़ा ट्राई करूंगा, अगर कोल मिला यार, मुझे लगा मिल गया अंडा। ऊपर से ये अलग ड्रामा है, पानी के अंदर मेरे को ब्रश से सैंड को वो करना है यार, ये बहुत बहुत ही अलग ड्रामा है। देखो क्या क्या अजीब अजीब चीजें मिल रही, लेकिन वो नहीं मिलने वाला हमको। एग कुछ तो मिला था, ये मिला था क्या? अरे यार यहाँ पर तो अब मुझे सस्पिशियस सैंड भी कम दिख रही है, मतलब हाँ यहाँ नहीं है, इसके अंदर है क्या? इसमें है, इसमें एक एक लास्ट दिख रही है। यहाँ पे भी हमको वही पॉटरी वाला चीज़ें मिल रही है। अबे नहीं यार, कहाँ ढूंढा जाए। मुझे आगे भी लोकेशंस दिख रही हैं कुछ, तो हम लोग आगे चलते हैं और वही मेरे को डोर लगाना पड़ेगा। मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन सी जगह है, कैसी जगह। वहाँ पर मेरे को एक चेस्ट दिख रही है और यहाँ पर भी मेरे को सस्पिशियस सैंड दिख रही है, तो हम लोग इधर रुकते हैं। मेरे को दो दिख रही है यहाँ पर सैंड, एक मेरे को ये वाली दिख रही है। यार अंडा मिल जाए ना हम लोग निकल लेंगे। ये मेरे को लग रहा हो है ये एक्स है, ये वो ये पॉटरी वाला। किस्मत ही खराब हो अपनी, किस्मत ही खराब हो, नहीं मिलने वाला कुछ। A few moments later. मिल गया, मिल गया। अरे वाह यार, ये कितना सही लग रहा, कितना स्मेल्स इंटरेस्टिंग दिखा रहा है। मुझे लगा था कि यार वहां जाके मिल जाएगा, लेकिन वहां भी नहीं। वो देखो एक और एक और एक और मिल सकता था। अगर हमको दो मिल गए ना, हम लोग उसको ब्रीड करा सकते हैं। ऐसा नहीं है, ज्यादा खुश नहीं होना। एक और यार, अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। बहुत रेयर चांस होते हैं, हमारी किस्मत अच्छी थी कि मुझे एक मिल गया, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि हमको दूसरा मिलेगा। मैंने कितने तो गायब कर दिए सैंड ऐसी। ये भी सस्पिशियस है ना, इसको भी देखो, कुछ निकलेगा इसमें से भी? नहीं, ये नहीं है। खाली भी मैं कई बार ब्रश लेके घूम रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा। एक और है यार, एक और मिल जाए, हम लोग ब्रीड करा लेंगे इनको मस्त करके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक और मिलने वाला है हमको। अबे लो, इतना चूरा सा मेरे को गोल्ड दे रहे हो। अब नहीं है क्या सस्पिशियस सैंड? यार थोड़ी कम नहीं है यहाँ पे, इतनी कम सस्पिशियस सैंड है यार, ऐसे में कैसे मिलेगा हमको? तो बस एक लोकेशन और बच रही है जहाँ पर मैंने अभी तक ढूंढा नहीं है। मुझे ये कुछ अजीब लोकेशन नहीं लग रही। यहाँ पर ना एक बार डोर लगाते हैं हम लोग। यहाँ पर सस्पिशियस सैंड नहीं, यहाँ पर कुछ अलग मेरे को लोकेशन लग रही। तो हम लोग ना देखते हैं कि इसमें है क्या, कोई अंदर जाने का रास्ता है क्या, है कुछ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अजीब है थोड़ी लोकेशन। नहीं यार, अजीब नहीं है। अब एक और लोकेशन बची थी जो यहाँ कहीं पर थी, ये वाली। बस उसके अलावा और कहीं पर भी हमको नहीं मिल सकता। तो यार एक ही एग से हमको काम चलाना पड़ेगा। वैसे तो मुझे चांस नहीं लग रहे थे कि एक भी मिलेगा, बट एक मिल चुका है। ज़्यादा लालच नहीं करना मुझे, इसी से हम लोग। अब तो सस्पिशियस सैंड ही मिल रही मेरे को। एक काम हम लोग गाइस ये कर सकते हैं कि मैं थोड़ा ना आसपास एक्सप्लोर कर सकता हूँ, अगर मेरे को ऐसे रियंस और मिल जाए, क्योंकि ये बहुत आराम से मिल जाते हैं। इनको ढूंढना इतना मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम है सस्पिशियस सैंड ढूंढना, जो कि दिख ही नहीं रही, बहुत मुश्किल देख रहा है लग रहा है मुझे। यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं है। अब चलो यहाँ से हो चुका है, जितना मिलना था ले लिया। अभी थोड़ा ना वॉ मोशन में हम लोग ऐसे ऊपर चक्कर सा लगाते हैं, अगर दिख गया तो एक और एग मिल जाएगा। क्योंकि बार बार मैं यहाँ तो नहीं आने वाला यार, मुझे रुइन दिख जाए बस। मेरे को एक यहाँ पे दिख रहा है, रुइंस तो नहीं दिख रहा है मुझे। नहीं, ये नहीं है। बट हाँ, यहाँ ये वॉ मोशन ही है ना, यहाँ पर मिल जाएगा। ओह, मेरे को एक विलेज मिला। मुझे लगता है कि यहाँ पर ना हमको कैमल मिलेगा पक्का। यहाँ पर तो होगा ही होगा कैमल। मिल गया, कैमल भी मिल गया। लेकिन उससे पहले हम लोग ये इसके पास जाते हैं, इसके पास कुछ काम की चीज़ें हो सकती है अंदर चेस्ट में। एक बार दिखा तो दे, गोल्ड रखा हुआ है और कुछ नहीं है। चलो ठीक है, हम लोग ना कैमल को खिलाते हैं कैक्टस। मैं कैक्टस लेके आया हुआ था उसके लिए घर से। एक सेकंड, मेरे को चेस्ट निकालने दो। एंडर चेस्ट में तो नहीं रखा मैंने। नहीं, फायरवर्क इलाइट्रा कुक्ड पोर्क चॉप इसमें रखा हो सकता। नहीं, इसमें भी नहीं है। कहाँ पर रख दिया मैंने? ये है, कैक्टस खिलाते हैं यार हम लोग कैमल को। और उसकी मैं सैडल, मैं सैडल भी तो लेके आया था। सैडल ला रखा हो ना? ओके, हम लोग इसको टेम करते हैं। ट्रेजर मैप भी मेरे को मिला हुआ है, क्यों मिला मैं क्या करूँगा इसका पता नहीं, बट अभी रख दो इसको। ये रख लेते हैं, एक और दो एग रख लेते हैं संभाल के। एक ही एग मिला हुआ है, तो मुझे देखना वो कैमल गया कहाँ पे। वो आसपास कहीं पे घूम रहा था, मुझे लग रहा है ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है गाइस, तो हम लोग कैमल की सवारी करने वाले। मैं इसको अनफॉर्चुनेटली यहाँ से वापस तो नहीं लेके जा सकता, बट ठीक है ना यार, यहाँ पर हम इसको खिला सकते हैं। ये ले, खा ले इसको। मैं ब्रीड करा के अगर इसका बच्चा हाथ में ले, नहीं यार ऐसा मुश्किल काम है ना, ये नहीं हो पाएगा। ये एक और है इसमें नहीं। डायमंड, यहाँ पे थोड़ी काम की चीज़ें मिली है मेरे को। ओके, अब मैं लगाता हूँ इसमें सैडल। इसको टेम करना पड़ेगा या कैसे होगा? ओके, तो हम लोग फाइनली कैमल में बैठ चुके हैं। और रैबिट हाइट क्यों मिला मेरे को? हाइट था पता नहीं क्या था। चलो इसको दो, एक सेकेंड। अबे नहीं, बैठने दे मुझे। मैं कैसा लग रहा हूँ दिखाऊँ तो एक बार? ये देखो,
मस्त करके हम लोग कैमल में बैठ चुके हैं और काम की चीजें हम लोगों ने कर ली। बस मुझे ना एक और रुइन मिल जाए ओशन वाला, हम लोग वहां से कुछ और चीजें कर सकते हैं। मैं इसको फिलहाल यहीं पर रख रहा हूँ, टेम तो हो चुका है, इसको टेम करने की जरूरत कहाँ है, तो इसको हम लोग ना यहीं पर रख रहे हैं। इसको घर ले जाना बहुत मुश्किल है, कभी फिर ले जाएंगे फुर्सत में आके। अभी मुझे और काम करने, यहाँ के ना लोकेशन हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अभी चलो चलते हैं आगे, वार्म ओशन में कहीं पर मुझे दोबारा एक रुइन मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा मस्त करके। एक दिख तो रहा है मुझे वैसे, हाँ एक दिख तो रहा है, दिख तो रहा है एक। मेरे को यहाँ पे पहले इनको मारना पड़ेगा, गए ये लोग तो गए काम से। अब मुझे चेस्ट में तो कुछ काम का मिलने वाला नहीं है। पहले सस्पिशियस सैंड ये है, एक ये है, डोर निकालो अपना। और अपना ब्रश कहाँ गया? ओके 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 है नहीं। चलो अब स्टार्ट कर दो यहाँ से ब्रशिंग करना। एक अंडा, यार अंडा नहीं मिल रहा मेरे को, सिर्फ एक सैंड है यहाँ पे काम के। अब एक सैंड से काम कैसे चलेगा ये देखो। ओ इसने ये भी ड्रॉप किया है यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या हटाऊँ, ये हटा लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, काम आ जाएगा बाद में। सिर्फ एक था यहाँ पे यार, गरीबी देख रहा, सिर्फ एक रुइन था यहाँ पे। ओ एक और है सस्पिशियस सैंड, यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर तो नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलने वाला फिर। ये भी नहीं है, ये मेरे को लग रहा है वीट है। A little longer than a few minutes later. Finally, एक लोकेशन पर मुझे बहुत सारे रुइन मिले हुए, और वहां पर मैंने जस्ट स्टार्ट किया, मुझे दो एमरल्ड मिले और मुझे मेरा दूसरा। अब हट जाओ, यहाँ से बाहर निकलना भी तो मुश्किल काम है। एक और मेरे को यहाँ पे एग मिल चुका है, तो फाइनली हमारे पास दो एग हो चुके हैं। और इस जगह पर देखो मतलब बहुत ही सारे सस्पिशियस सैंड थे, बट मुझे चांस थोड़े कम लग रहे थे, क्योंकि सस्पिशियस सैंड होने का मतलब ये नहीं कि हमको मिल जाएगा, लेकिन हमको दो मिल चुके हैं। अब थोड़ा सा मैं और देख रहा हूँ अगर कहीं पर मुझे मिल जाए। ये कुछ अलग स्ट्रक्चर है, ये पहले नहीं हुआ करते थे शायद, जहाँ तक मुझे याद है कुछ नहीं है इसमें वैसे, बट हाँ यहाँ पे काफ़ी सारी सस्पिशियस सैंड मेरे को दिख रही थी, तो हम लोग उसमें से। और यहाँ सैंड में काम की चीज़ें मिल रही है, सैंड में मेरे को दो एमरल्ड्स मिले, जो कि मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वहाँ ग्रेवल में कुछ नहीं मिल रहा था। और यहाँ पर देखो यहाँ पर एक और सस्पिशियस सैंड है, देख लेते हैं, उसके बाद मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो हम लोग अब दो लेके जा रहे हैं, तो हम लोग उनको ब्रीड करा सकते हैं और आराम से उनका एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, ओके ठीक है कोई बात नहीं, लालच नहीं करना ज़्यादा। हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। ये क्या मिला मुझे? ओके ये मिला ना, चले ठीक है ठीक है ठीक है, चले अब यहाँ से निकल जाते हैं सीधे। मेरे को यहाँ से एक पोर्टल बनाना है और हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो हम लोग कैमल में भी बैठ लिया, हम लोगों ने जो चेरी ग्रोव वाला बायो में वो भी देख लिया, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कर ली है जितना भी नया था। बाकी हमको कुछ कमाल की चीज़ें मिली है, कुछ बकवास चीज़ें मिली हुई है। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। ओके तो हम लोग आ चुके हैं नेदर के रूफ में, अब जाके मुझे जाना है पॉजिटिव डायरेक्शन में और हम लोग पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में अपने घर। उसके बाद हम लोग उनको स्पॉन कराएंगे स्नीफर्स को, और उसके बाद उनको ब्रीड कराएंगे, देखते कि क्या निकलता है। एक और बच्चा हो जाएगा ना तो फिर हमारी थोड़ी फैमिली बड़ी हो जाएगी, देखते हैं किस तरीके से उनको ब्रीड कराना है। बट जहाँ तक मुझे पता है कि उनके जो एग होते हैं ना, उनको हमको जो कौन सा वाला ब्लॉक होता है यार, वो जो हमको उसमें मिलता है लश केव में, उस वाले ब्लॉक में रखना होता है, तब जाके चांस होते हैं उसके एग गिरने के। बट खैर वो बहुत बड़ी बात है, अभी हम सिर्फ स्पॉन करेंगे और इसके बाद मेरे को एक जो नए वाले वो मिले हुए ना, वो देखने कि वो क्या चीज़ है, जो हमको आर्मर ट्रिम्स वगैरह मिले हुए हैं उनको देखने कि मुझे क्या बन सकता है उससे, कैसा आर्मर दिख रहा है, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि मैंने पहले नहीं देखे थे। तो फाइनली अपनी लोकेशन पर मैं पहुँच चुका हूँ, मुझे ना ये चीज़ देखना है। देखो बेचारा विलेजर यहाँ पर क्या कर रहा है पता नहीं, मुझे ना ये देखना है कि हमको जो एग मिला हुआ है उसको हमको क्या उसको हैच कराना होगा, या फिर वो हैच ही होगा, मतलब ऐसे हम लोग स्पॉन करा सकते हैं, देखना पड़ेगा मुझे। अगर ऐसा होगा तो फिर तो मतलब एक ही मैं पहले ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। फिलहाल सो जाते हैं, कल सुबह मिलते हैं। मैं विलेज के अंदर ये ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि कुछ भी हो तो एटलीस्ट विलेज में ही रहे। अब जाके मुझे देखना है कि किस तरीके से करना है। मैंने शायद यहाँ पर रखा हुआ था, हाँ यहाँ पर रखा हुआ था। अब मेरे को देखना है कि ओके समझ में आ चुका है। अब अगर मैं इसको मॉस ब्लॉक में रखता हूँ तो चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसके हैच होने के। ओके मैं अभी ना एक बचा के रख रहा हूँ, मुझे ये डाउट है कि अगर मैंने इसको तोड़ दिया तो क्या होगा। अभी रुक जा बीच में कहाँ आ रहा है। ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर ना ये रख रहा हूँ ताकि ये हैच हो जाए यहाँ पे और हमको स्नीफर मिल जाए। उनको ब्रीड कराने के लिए हमको टॉर्च फ्लावर चाहिए, और टॉर्च फ्लावर हमको यही दे सकता है नीचे खोद के, तो इसी का खाना इसी को खिला के हम लोग इसको ब्रीड करा लेंगे।
फिलहाल ये हो चुका है, दूसरा एग्मा भी नहीं रख रहा हूँ। हमको ना यहाँ पर थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिए फेंसिंग करनी पड़ेगी, और उसके लिए मेरे को चाहिए एक क्राफ्टिंग टेबल। जल्दी से बनाते हैं, और हम थोड़े स्टिक्स बना लेते हैं, अब थोड़े फेंस बना लेते हैं, और इसको एक जगह पर कैद कर लेते हैं। इतना ही है मेरे पास वुड, और नहीं है, और भी था, एक सेकेंड और भी था मेरे पास वुड, यहाँ पे तो नहीं था। ये वाला वुड यूज़ करने वाले, इसके हम लोग जो फेंस गेट है वो बनाने वाले हैं। वाह, कितना अलग ही लग रहा है ना, बिल्कुल दिखने में यूनिक एकदम। मैं एक दो ट्री भी इसके लगाऊंगा, एक दो नहीं बहुत लगाएंगे हम लोग अलग तरीके से, बट फिलहाल जो अपना काम है उसको फोकस करते हैं। मेरी शील्ड ना मैंने यहाँ रखी हुई यार, ये काम के टाइम पे मेरे को मिलती नहीं है हमेशा, तो इसको छोड़ देते हैं। थोड़ी देर में शायद ये हैच हो जाएगा, कितना बड़ा है देख रहे हो, बहुत बड़ा है इसका। अब मेरे को देखना है कि आर्मर ट्री ट्रिम का हम क्या कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इसके लिए हमको कुछ कुछ चीज़ें चाहिए जो कि मैं अभी भूल रहा हूँ। ओ, स्मिथिंग टेबल भी तो इसके लिए अलग वाला चाहिए हमको। स्मिथिंग टेबल तो है मेरे पास, क्या इसी से काम चल जाएगा, मेरे को ये देखना है। हाँ, एड स्मिथिंग टेम्पलेट, इसमें शायद वो इसमें आर्म, तो मुझे ना पहले तो एक रेड स्टोन से ही मैं करने वाला हूँ, क्योंकि रेड स्टोन बहुत सही लगता है, रेड रेड डार्क डार्क सा, तो मेरे को रेड स्टोन ढूंढना है। और साथ में मुझे वो भी चाहिए इसके अलावा, एनविल एक रेड स्टोन, मेरे पास रेड स्टोन है ही नहीं, खत्म हो चुका है। नहीं नहीं, अंदर होगा। जल्दी से मैं तैयारी करता हूँ, और मेरे को देखना है कि ट्रिम से कैसा होने वाला है, आर्मर कहीं ख़राब ना हो जाए अपना। खैर कोई नहीं, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा कुछ तो ऐड हो जाएगा उसमें कलर्स वगैरह। तो अभी जाके मैं अपनी चेस्ट प्लेट में लगाने वाला हूँ, ठीक है। इसमें भी मैंने कुछ रखी हुई है, वो सारा मैं निकाल रहा हूँ। एक ये मेरे पास वे फाइंडर, एक मेरे पास रेजर, सब मैं ना अलग अलग लगा देता हूँ, देखता हूँ कि कैसा लग रहा है मेरा आर्मर, ये रखता हूँ यहाँ पर। तो ये सब हमको आज मिला हुआ, अगर आप लोग देखो ये सब ये म्यूजिक डिस्क वगैरह, अब जाके एक एक करके पहले तो इसमें मैं डाल देता हूँ रेड स्टोन। मैं कौन सा लगाऊँ, कैसा पता चलेगा। ओके, ये ऐसा दिख रहा है। अब अगर मैं इसकी जगह लगा दूँ ये, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, ये मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये उतना कुछ खास नहीं लग रहा है, ये भी कुछ खास नहीं लग रहा, तो इसमें ना ये मस्त लग रहा है मेरे को, ये लगा लेते हैं इसमें, ठीक है। न्यू लुक हमारा आ चुका है, इसको रखो यहाँ पे, कहाँ गई ये हमारी चेस्ट प्लेट। अब मेरे को लगानी है लेगिंग में, तो लेगिंग में हम लोग लगाते हैं, इसको रखते हैं, एक सेकेंड, इलाइट्रा में लग सकता है, नहीं इलाइट्रा में नहीं लगेगा, लेगिंग में कुछ खास नहीं लग रहा है, ये तब भी अच्छा लग रहा है, ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो लेगिंग भी हमारी हो चुकी है, अब मेरे को लगाना है हेलमेट, और उसमें नीचे पैरों में उतना नहीं पता चलता है, हेलमेट में लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हेलमेट में अच्छा लग रहा है, इसकी जगह अगर हम लोग ये लगाएं, ओ दो ही बचे हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक बार पैरों का देख लेता हूँ कि पैरों में कौन सा अच्छा लग रहा है, पहले ना हेलमेट में ही लगाता हूँ यार, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये हेलमेट में लगा देता हूँ। अब पैरों में एक ही बचा हुआ है, तो पैरों में लगा लेते, चारों में अलग अलग मैंने लगा रखा है स्मिथिंग टेम्पलेट, और अब जाके देखो हमारा आर्मर ट्रिम के बाद, बस इंचेंटमेंट नहीं दिख रही, उसके अलावा बाकी सब कुछ बहुत सही लग रहा है। अब मैं एग देख के आता हूँ कि हमारा एग हैच हुआ कि नहीं हुआ, फिलहाल हम लोग इसको स्वैप करते हैं, अब तो ऐसे स्वैप कर सकते हैं, और चलते हैं सीधे एग के पास। वैसे इतनी जल्दी हुआ नहीं होगा, उसको होने में लगेगा अभी थोड़ा सा टाइम, वेट करना पड़ेगा मेरे को तब तक। तो गाइज ये एग धीरे धीरे करके हैच होने वाला है, मुझे नहीं पता कि कितने मिनट हो रखे हैं, लेकिन अभी इसमें कुछ साउंड आई और ये थोड़ा सा ना क्रैक हो गया है, मेरे को देखना है कि कैसा लगता है स्निफर। मैंने क्योंकि जब देखा है डायरेक्ट, मैंने देखा हो स्पॉन किया था जब टेस्ट किया था, लेकिन मैंने इसे एग से निकलते हुए नहीं देखा, तो मुझे वही देखना है। थोड़ा सा शायद और टाइम होगा, पता नहीं कितना टाइम होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब होने वाला है किसी भी टाइम पर। एग फट चुका है बहुत ज़्यादा, इसमें 10 मिनट लगते हैं, अगर मैं इसमें नॉर्मल किसी ब्लॉक में करता तो उसमें डबल टाइम लग जाता, तो इसलिए हमारा जल्दी हो चुका है हैच, अभी हुआ नहीं वैसे। A lot of boring math later. हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 मिनट से ज़्यादा होने वाले हैं, पता नहीं क्यों, बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, अभी तक एग हैच नहीं हुआ है। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा मॉस ब्लॉक रखने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे बस उस ब्लॉक के नीचे वाले को मॉस ब्लॉक से करना था, बट मुझे थोड़ा ना ये डाउट हो रहा है कि क्योंकि मैंने पहले इसको रख लिया था, उसके बाद मैंने नीचे का ब्लॉक चेंज किया था, तो हो सकता है कि ये बच्चा है ना। हाँ ये बच्चा है यार, अभी बच्चा है। ओके, तो दूसरा वाला एग भी मैं रख रहा हूँ, अब ये जल्दी हो जाएगा, तो इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, इसको मैं रख ही ले रहा हूँ। ये देखो ये हो जाएगा, अब मैंने सही जगह पर रखा हुआ है, और ये अभी बच्चा है। ओके, तभी मैं सोचूं इतना छोटा सा क्यों लग रहा है, जब ये बड़े हो जाएंगे ना, इसके अंदर आने मुश्किल हो जाएंगे, इनके लिए एक बड़ा ही। अबे नहीं 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 नहीं, भाग मत जा, अभी नहीं, बहुत घिनौना लग रहा है, तू भाग मत, उधर मत जा।
अबे यार मैंने मेरे को ना कुछ कुछ ब्लॉक्स देने देखने पड़ेंगे जल्दी से। मैं यहाँ पे ना ये लगा रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ से भाग ना जाए। मेरे को लग रहा गया, नहीं नहीं अभी भागा नहीं है। ओके ओके ये यहाँ से निकल रहा था बाहर, मैं चाहता नहीं, बहुत दूर से लेके आ रखा हूँ और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। ये दोबारा नहीं मिल, अबे उसमें मत चढ़ जाना यार, तू तो कहीं भी चढ़ ले रहा है। गलत जगह रख लिया ना मैंने एग, अब ठीक है, अब नहीं जाएगा कहीं पर। ओके तो हमारे पास एक स्नीफर हो चुका है, एक और बहुत जल्दी हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास दो हो जाएंगे, इनको ब्रीड वगैरह करा लेंगे तब जब ये हमको खुद टॉर्च फ्लावर देंगे। फिलहाल गाइज आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक प्लीज़ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।